हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम जो अपना लीनियर अलजेब्रा मैथ है उसमें आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उससे बेसिस कुछ एग्जांपल एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लीनियर अलजेब्रा का लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं, आज हम इसकी ओर आगे और बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है वो सीखेंगे, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम हर्मिटियन मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है 2 नंबर का। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमें कोई मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हमें चेक करके बताना है कि ये है या नहीं है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ सकता है, देखो, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2 या 3x3। हमें कोई भी पूछ लेगा कि 2 या 3 एग्जाम्पल दो। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो बोल देगा कोई 2 एग्जाम्पल दो हमें जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हमें बताना है जो ऑर्थोगोनल है वो कितने ऑर्डर का होना चाहिए। तो 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, 3x3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये हमारा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओ का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी ए हमारा क्या है, देखो ए हमारा क्या है, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। ए ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए, जो आपने क्लास 12th में पढ़ाया, नहीं पढ़ा तो अभी मैं इधर सिखाऊंगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, और आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। जो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये कुछ भी हो सकता है, हमारा 2 का भी हो सकता है 3 का भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमारा, डिफरेंट। ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता है 2x2 का क्या होता है, 3x3 का क्या होता है। हाँ स्टूडेंट्स देखो, कई बार ये भी लिखा हो जाता है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये इसको भी, ये भी ट्रांसपोज का ही साइन है। ठीक है, ये दोनों हमारे सेम ही है। ठीक है, कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो कन्फ्यूज होने के बाद में ट्रांसपोज को हम या तो टी से डिनोट करते हैं या फिर हम बार से जैसे डिनोट भी कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, दोनों मैंने तरीके बता दिए। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो इधर ही समझा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो हमने ले लिया कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये ले लिया स्टूडेंट्स हमने। ठीक है, ये हमने ले लिया और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें चेक वेदर गिवन मैट्रिक्स इज, गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। हमें चेक करना है और बताना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अगर आपको इसको यही नहीं पता होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है तो आप नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता, ए हमें क्या दे दिया, ये गिवन मैट्रिक्स हमें ए दे दिया। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज। अब देखो हम क्या निकाल लेते हैं इधर से, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकालना आपने, मैंने सिखाया ही आपको। क्या करते हैं ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो हमारी रो है ये किस में चेंज होती है, कॉलम में, तो कोस एक्स साइन एक्स हो गया हमारा, और ये निचले वाली रो इस कॉलम में हो जाएगी, तो माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। अभी हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी, दोनों आ गए, आई का तो हमें पता ही है, और कितने ऑर्डर का, ये कितने ऑर्डर का है, 2x2, तो हमारा आई कितना हो जाएगा, इधर से I2 कितना हो जाएगा, 1, 0, 0 और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी ए ट्रांसपोज, ये बीच में किसका साइन है, डॉट का या कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्रॉस का कुछ नहीं दे रखा, तो हमारा समझ लेना मेरे मल्टीप्लाई में, इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज, आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपने मल्टीप्लाई क्लास 12th में सीखा ही है। ये देखो दोनों मैट्रिक्स ले सकता हूँ मैं, कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स
कोस एक्स, और जो हमारा ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्या है, कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। ये आया स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाई आपने सीखा ही है। हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखो कोस का मल्टीप्लाई कोस के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब सेकंड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स साइन एक्स प्लस का साइन, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। अब पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया दूसरे कॉलम के साथ, अब इसका करेंगे हम सेम इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स, और इसका फिर करेंगे हम इसके साथ तो क्या हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स इधर देखो, आपने ये देखा ये हमारे कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, हमारा वन के इक्वल था, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये किसके इक्वल आना चाहिए था हमारा, आई के इक्वल, तो ये क्या आ रहा है हमारा, आई के इक्वल आ रहा है, तो गिवन मैट्रिक्स इज हम लिख देंगे हैंस एंस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये लिख देंगे, फिर लिखेंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यही था हमारा कि ये क्या है, हमारी ऑर्थोगोनल एक मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, आपकी बुक में काफी क्वेश्चंस दे रखे होंगे, इसके बेसिस आपको उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, बस आपको ध्यान रखना है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट।